हेलो गाइस, आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 1 बजे से और मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज ब्लॉग। और आज मम्मा को जाना है घर, तो अभी मम्मा जाएगी घर, तो अभी आपको दिखाते हैं क्या होता है। तो आज की जो वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है ना, वो दिन के 1 बजे से हो रही है क्योंकि मैं जा रही हूँ घर और आज पहाड़ के लिए निकलना है। तो सोचा था 12 बजे निकल जाऊंगी, पर बच्चों के साथ होता ही नहीं है, तो करते हैं फिर शुरुआत आज की। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार प्रणाम पहला, उम्मीद करते हैं कि सभी ठीक होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो रेडी वगैरह हो गई हूँ, लेकिन आज ना मेरे पास बैग वगैरह बहुत कुछ हो गया है। एक बैग नीचे रख लिया है, एक ये हो गया है, और फिर निकलते हैं। अभी थोड़ा बहुत मार्केट में भी मेरा काम है और फिर अब मिलेंगे बच्चों के साथ जल्दी हम, शायद नेक्स्ट वीक मिलें या नेक्स्ट मंथ मिलें, शायद नेक्स्ट वीक ही मिल जाएंगे क्योंकि बच्चों के लिए तो आना ही पड़ता है। तो चलिए फिर निकलती हूँ, शायद कितना कैप्चर कर पाऊँगी पता नहीं, लेकिन फिर से आपको पहाड़ और गांव देखने को मिलेंगे, तो बने रहेगा इसी तरह मेरे ब्लॉग के साथ। तो गाइस, मम्मा ने रख दिया सामान और अभी बैग भी रखेंगी, तो अभी जा रही है मम्मा घर पे। तो गाइस, आज जा रही है मम्मा पहाड़ और अभी हो रहे हैं दिन के 1 बज रहे हैं और अभी मम्मा जाएगी। तो मम्मा हमारे साथ 2 दिन रही और काफ़ी अच्छा लगा, और मम्मा अब जा रही हैं और फिर नेक्स्ट संडे आएंगी। तो क्या तभी देखेंगे फिर? हाँ, फिर देखेंगे, बोलो हम दोबारा फिर देखेंगे हम व्लॉग में वापस से, और बहुत दिनों बाद दिखे थे क्योंकि मम्मा थी गुड़गांव। तो गाइस, मम्मा की पैकिंग वैकिंग भी हो चुकी है और मम्मा जाने के लिए रेडी है, और आप भी कुछ बोल लो। तो गाइस, आज का मौसम एकदम बारिश बारिश सा हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों में बहुत बारिश हो रही होगी, और देख ही सकते हैं एकदम डार्क हो रखा है और बादल भी गरज रहे हैं। यार भारी भी हो गए, तो बैग वगैरह लटका लिए, तो निकलते हैं जल्दी, मिलेंगे हम आपको, बाय बाय। तो रुद्रा भी यहाँ पे मम्मा को बाय बाय करने के लिए आ गया है, तो मम्मा एकदम जाने के लिए रेडी। तो अभी आ गई हूँ मैं DIY में, तो थोड़ा सामान देखने हैं, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो आज संडे की वजह से ना काफ़ी भीड़ हो रही है, तो मैंने फ्यूल फिल करा लिया और काठगोदाम क्रॉस कर देना, अपने सुंदर सुंदर पहाड़ देखने को मिल गए हैं। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है ना आज, बहुत ही ज़्यादा, तो मैं मिलती हूँ आपको 20-20 रास्ते में क्योंकि कंटिन्यू से नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ट्रैफिक भी ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ही। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे। तो चलिए जी, आज ना मैं काफ़ी दिनों बाद ही पहाड़ों पर राइड कर रही हूँ, यानी कि भीमताल भवाली क्रॉस करते हुए मैं पहुँच गई हूँ गागर, तो जिसका अल्टीट्यूड 7000 फीट है और मुक्तेश्वर के समथिंग ही है। और ये गागर जो है ना एक काफ़ी रमणीय गांव है, तो नीचे को पूरा गांव ही है और यहाँ से हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं। लेकिन आजकल तो पूरे बादल बादल हो रहे, लेकिन अपने पहाड़ों में आते ना एक अलग ही सुकून है, मतलब कि ठंडा भी हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ठंडा महसूस हो रहा है। और थोड़ी देर में रुक चुकी हूँ क्योंकि लगातार राइड करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, और मुझे आज काफ़ी दिनों बाद ना नींद से आने लगी है, तो इसलिए मैं रुक के ये वाले पहाड़ों के नज़ारे देख रही हूँ, तो आपको भी दिखाती हूँ बढ़िया वाले नज़ारे। तो चलिए जी, मैं 5:30 बजे पहुंच गई हूं अपने घर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है आज अपने गांव को देख के, पहाड़ को देख के, तो काफ़ी दिनों बाद देख रही हूं ना, तो
थोड़ा अलग सा भी लग रहा है और काफ़ी अपने गांव में आते ही ना एक अलग ही सुकून मिलता है। सही में आते ही मैं सब अपने बाहर फूल वूल सब उस पर नज़र कर रही हूँ, देख रही हूँ और सबसे मिल भी गई हूँ, पानी वानी पी लिया है। जब यहाँ का पानी पिया तभी अच्छा लग रहा है मेरे को। तो ऐसा है अपना गाँव। तो कल से आपको रेगुलर पहाड़ की वीडियो देखने को मिलेंगी और गाँव की भी देखने को मिलेंगी, तो बने रहेगा इसी तरह। और प्राची से भी मिलाती हूँ, अभी तो वो पीछे कैमरे के पीछे हैं, तो फिर मिलती हो जल्दी। तो चलिए जी, हल्द्वानी से अपने पहाड़ का सफ़र कुछ ऐसा रहा। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि पसंद आई होगी। तो कल से फिर अपने पहाड़ों के साथ, अपने गांव के साथ बने रहेगा इसी तरह। मैं मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय देवभूमि उत्तराखंड।